तो क्या हो, तुम 1 साल की मेहनत एक चीज पे लगाओ और एक दिन तुम्हें पता चले कि वो कभी भी तुमसे छीन सकती है। हाँ, तो आज किसी और की कहानी के बारे में नहीं, खुद की कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, स्ट्राइक आ गई थी इस चैनल पे, दुख हुआ बहुत ज्यादा उस टाइम के लिए। मेरे को लगा कि अब क्या होगा भाई, कभी भी दो दो स्ट्राइक लगातार आ गई, मेरा तो चैनल डेड। अभी अभी बिल्कुल दूसरे स्टेप पे खड़ा हूँ मरने के, ऐसा लगा चैनल के लिए। मैं तो अभी बहुत जीऊंगा, थैंक्स टू भगवान जी, मैं बहुत जीऊंगा अभी, अभी है टाइम मेरे लिए। तो हाँ, तो मैं बता दूँ, जो तुम्बाड़ वाली मूवी रिव्यू मैंने डाला था उस पर स्ट्राइक आई है, और सोहम शाह की कंपनी है जो इस मूवी के एक्टर हैं, उन्होंने ही बनाई थी पूरी मूवी, तो हाँ उनकी कंपनी ने स्ट्राइक मार दी। मतलब लिटरली मैं जब आई ना, तो मैं सोच रहा था कि मैंने नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं ना अप्रिशिएट कर रहा था उनकी आर्ट को, मूवी को अप्रिशिएट कर रहा था। जितनी भी ट्रेलर से क्लिप उठाई थी, ऐसा नहीं कि मैंने मूवी के सीन्स उठाए हों, मुझे पता है पूरी की पूरी वीडियो भी उठाने का बात होती है, मैंने वो नहीं उठाई। और ऊपर से 75% से भी ज़्यादा कंटेंट मेरा ही था, मतलब मेरे वॉइस ओवर था, ऐसा कुछ था नहीं कि सिर्फ ट्रेलर ही चला दिया मैंने और क्लिप दिखाई जा रहा हूँ, नहीं, कॉन्टेक्स्ट था पूरा पूरा। और मैं एंड ऑफ द वीडियो ये भी कहा था कि रिलीज हुई है तो जाके देखना था, तो मैंने देखा। बट मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आर्ट अच्छी है, मतलब कुछ ना, मुझे पता है कि सोम शाह को तो पता भी नहीं होगा ये कौन है, ये बच्चा क्या कह रहा है कुछ भी बट ठीक है, मुझे बुरा लगा तो मैं कह रहा हूँ, मूवी अच्छी है यार, देख लेना जाके। मेरे को पता है स्ट्राइक आई है, मुझे बुरा बुरा बोलना चाहिए, बट लव इतनी खटास नहीं, मूवी अच्छी है, तुम जाके देख सकते हो।